वेलकम टू माय चैनल वंदु के व्लॉग्स। तो मैं आ गई हूँ वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर, कतरन मार्केट पार्ट टू। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम हैं शॉप नंबर 163 पर, जो कि एक लेस की शॉप थी, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी की जो लेस थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज़ की हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से लगाई हुई थी। 50 से लेकर 300 रुपये तक की लेस यहाँ पर मिल रही थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर जो लहंगों में, साड़ी में, ब्लाउज में यूज़ होती है। इसके अलावा इस शॉप पर यहाँ पाउच भी थे, जो 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। 100 रुपीज़ में ये पार्टी वेयर पाउच आपको मिल रहे थे, जो कि मुझे तो बहुत सही लगे। 100 रुपीज़ में पाउच ओनली, बिल्कुल सफिशिएंट प्राइस है, जिसे कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद ये एक शॉप थी जहाँ पर 100 रुपीज़ मीटर में कॉटन का कपड़ा मिल रहा था, कॉटन का सूट का कपड़ा मिल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जो कि गर्मियों में हम इजीली पहन सकते हैं। और ये देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं कपड़े की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और इसी तरीके के यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, और सभी सूटों के साथ उनकी मैचिंग की सलवार और या पैंट, आप जो भी बनवाना चाहे, बॉटम जो है बेसिकली वो रखा हुआ था, मींस मैच करके इन्होंने पूरा सूट सलवार टाइप मैचिंग करके रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारे गरम कपड़े भी थे, मींस गरम जो थे, गरम करके जो गरम सूट हम पहनते हैं, गरम कुर्ती, उसका कपड़ा भी यहाँ पर अवेलेबल था। ये एक टुकड़े मिल रहे थे उसी शॉप के बाहर, जो कि थे 150 रुपये के 2 मीटर, मतलब 150 रुपये का 2 मीटर हमें वहाँ मिल रहा था। ये अलग अलग तरीके का कपड़ा, कॉटन का भी था और जॉर्जेट भी था, और ये अभी मैंने सारे जो दिखाए हैं आपको प्रिंट, ये सभी कॉटन के प्रिंट थे। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में जो भी सामान इस तरीके का सस्ता या वो रहता है, सस्ता रहता है तो वो बेकार होता है। कई बार कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि नॉर्मली वही क्वालिटी शॉप पर बहुत ज़्यादा रेंज की मिलती है। ये कपड़े सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ कपड़ों की झलक आपके सामने। तो फ्रेंड्स, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये स्वेटर हमें कितने का मिल रहा था? ये लॉन्ग स्वेटर वहाँ पर लगा हुआ था बाहर पटरी पर, जो कि 300 रुपीज़ का था, और गरम वॉर्म जो वॉर्म स्वेटर था प्रॉपर तरीके से। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर भी थे वहाँ पर, ग्रे कलर, पीच कलर, और ये जो स्वेटर था, ये पूरा लॉन्ग स्वेटर वहाँ पर 350 रुपीज़ का मिल रहा था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस लगा इसका, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। आप लोग भी प्लीज़ वहाँ जाइए और शॉपिंग कीजिए। और इस तरीके के वहाँ पर टेबल कवर मिल रहे थे, जो हम डाइनिंग टेबल पर या नॉर्मल साइड टेबल पर बिछाते हैं, और ये रैग्स थे वहाँ पर जो 250-300 की रेंज में थे, और काफ़ी मजबूत लग रहे थे ये हमें रैग्स। मैंने उनको बोला भी कि बाहर निकाल कर दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। और इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे, रेड, वाइट और मेहंदी कलर था, और ऑरेंज कलर था। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स रैग्स में अवेलेबल थे, जो हम घर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहीं पर स्वेटर्स की शॉप थी, शॉल्स भी थे शॉप्स पर। ये शॉप नंबर जो था 169 था,
शॉप नंबर 169, देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर जो था सारा धागे का बना हुआ सामान था, धागे से बने हुए ये सारे मैट्स थे, पायदान थे और फुट मैट्स और नॉर्मल कारपेट्स भी थे। ये मैट्स जो थे वहाँ पर मतलब वजन के हिसाब से मिल रहे थे, मतलब 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो। के स्टॉल्स अवेलेबल थे जिसके अंदर कपड़ा लगा हुआ था, बाहर कपड़ा अलग था और अंदर जो था वो कपड़ा अलग था। ये स्टॉल 150 रुपये के भी दो मिल रहे थे, 150 रुपीज़ में टू स्टॉल मिल रहे थे। उसके बाद ये जो है शॉप थी जहाँ पर सिर्फ कॉटन के कपड़े थे, जिसकी अलग अलग रेंज थी, अलग अलग थे और बहुत ही अच्छी वेराइटी थी वहाँ पर। चादर का कपड़ा, बेडशीट का, बेडशीट देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस और अच्छे अच्छे फैब्रिक थे। 172 शॉप नंबर है ये, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बेडशीट का कलेक्शन, स्वेटशर्ट्स का कलेक्शन मिलेगा और कॉटन भी मिलेगा, कॉटन के सूट्स भी मिलेंगे। शॉप नंबर 174 पे आप जा सकते हैं। किस हिसाब से आंटी यहाँ पर ये कपड़ा है, ये वाले, ये वाले कपड़े किस हिसाब से? 200 रुपये मीटर। ये देखिए ये सब कपड़े जो हैं, ये कौन सा कपड़ा कहलाता है? जॉर्जेट। जॉर्जेट के ऊपर ये लखनवी कढ़ाई है, जॉर्जेट के ऊपर लखनवी कढ़ाई है, जो सभी 200 रुपये मीटर के कपड़े हैं और ये सब इनकी सारे 200 रुपये मीटर हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर है इसके अंदर। और ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, ओवर पूरा जो है हम कस्टमाइज़ करा सकते हैं कपड़े लेने के बाद। कपड़ा ले अपने हिसाब से आप कपड़ा लीजिए, कितने मीटर आपको चाहिए और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रिटेल शॉप में जाएंगे तो उन्हीं कपड़ों के साथ जो कस्टमाइज ड्रेस होगी आपको इससे डबल प्राइस में पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अंदर ये कॉटन के कपड़े हैं आंटी, 150 रुपये मीटर। 150 रुपये मीटर ये सभी थे 200 रुपये मीटर और अब ये कॉटन में आ गया है 150 रुपये मीटर। देखिए 150 रुपये मीटर गर्म कपड़ा है ये, इसको चाहे तो आप चादर भी बना सकते हैं, है ना, इसको चाहे तो हम चादर बना सकते हैं, लोई की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी शॉप में आपको अलग अलग 100 रुपये मीटर अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखने को मिलेंगे। ये सभी थे 200 रुपये, ये था 150 रुपये और अब ये रेंज आ जाती है 100 रुपये मीटर की। ये देखिए ये सभी कपड़े जो है 100 रुपये मीटर है, ये येलो वाला भी। इस तरीके से हम किसी भी तरीके का कपड़ा लेके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के कुर्ती बनाएं, चाहे लहंगा बनाएं, चाहे गाउन बनाएं, किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर रेडीमेड गाउन है, एक तरह से बाजू है, रेडीमेड गाउन है, कलर भी मिलेगा सिल्वर और गोल्डन। ये पूरी लेन जो है अलग अलग, उसकी पूरी जो लगा हुआ है स्टॉल अलग अलग साइज़ का लगा हुआ है। इसके बाद ये एक शॉप थी जहाँ पर वापस से, क्योंकि कॉटन के वहाँ पर कॉटन के कपड़े और कॉटन की जो रेंज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर शॉप पर ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये तो एक तरह से रेयॉन का कपड़ा था, जो कि आपने देखा भी होगा, रेयॉन फैब्रिक, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट होता है और बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है। रेयॉन फैब्रिक यहाँ पर मिल रहा था। इसके अलावा ये रेयॉन फैब्रिक में बहुत सारे कलर्स थे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, और फुल ये आपको मिल रहा था, आई थिंक 150 या 200 रुपये मीटर ये भी मिल रहा था हमें।
नॉर्मली हम अगर कुर्ती कोई लेते हैं, अगर सेल में से भी लेते हैं, तो वो 350 की पड़ जाती है। और यहाँ पर से अगर हम लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमसे क्या है कि थोड़ा सा बार्गेन हो जाता है यहाँ पर प्राइस में। और यहाँ से आप कभी भी सामान लीजिए तो प्लीज़ उसको अच्छे से देख परख कर लीजिए, क्योंकि सामान बाहर रखा रहता है तो कई बार कट लग जाता है। ये शॉप नंबर 176 है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे फैब्रिक का प्रिंट्स वगैरह। और इसके बाद उसी के सामने बाहर जो है ये गर्म कपड़े की, जो वेलवेट का कपड़ा होता है या उस तरीके के कपड़े की जिसका हम नाइट सूट बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, फ्रिज कवर बना सकते हैं, टीवी कवर बना सकते हैं, ये कपड़ा था वहाँ पर। इस 100 रुपये मीटर, और इसके साथ ही इसमें कलर भी अवेलेबल था, ये पिंक कलर भी इसमें, पर पिंक पर्पल टाइप कलर भी अवेलेबल था जो कि उतनी ही रेंज का मिल रहा था। इसके बाद ये जेंट्स शर्ट में यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा था, जो कि जिसकी हम शर्ट्स जेंट्स की बनवा सकते हैं, और ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। एक बार आप लोग ज़रूर वहाँ पर विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छी मार्केट है, वहाँ पर जाने से आपको सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये शॉप नंबर 177 थी, जहाँ पर हमने शॉपकीपर से पूछा भी तो उन्होंने बोला हमारे पास सिर्फ सूट और गर्म सूट ही मिलते हैं, इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बॉटम के साथ रखे हुए थे, जैसे कि ब्लू के साथ उनका बॉटम रखा हुआ है, ये देखिए आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रखे हुए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट थे, जो कि किसी का भी देखते ही मन कर जाए लेने को। तो ये प्रिंट जो थे, ये कपड़ा बहुत अच्छा था। बस आप सब ये ध्यान रखिए कि जब वहाँ पर आप जाते हैं तो अच्छा सामान लीजिए, देख परख कर सामान लीजिए। और ये प्रिंट बहुत अच्छा था, जो कि 100 रुपये मीटर था, तो मैंने ये सूट प्रॉपर लिया था एक कुर्ती का। इसके बाद ये एक शॉप थी, शॉप नंबर 178 पावर क्लॉथ हाउस, जहाँ पर ये पूरा जेंट्स वैरायटी थी, लेडीज़ का कोई सामान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के लिए था। हर तरीके का कपड़ा था यहाँ पर, आप ईद, होली, दिवाली, किसी भी तरीके के त्यौहार पे शेरवानी का कपड़ा, या फिर आप कह लें कि अचकन जो लोग पहनते हैं, अचकन का कपड़ा और पैंट कोट का कपड़ा, ये जेंट्स में सभी तरह के कपड़ों की वैरायटी थी। अगर आप यहाँ पर आके लेते हैं तो डिस्काउंट भी हो जाएगा, उन्होंने खुद ये बात बोली थी हमें कि अगर आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, बार्गेनिंग हो सकती है इजीली। तो प्लीज़ यहाँ पर आप, अगर आपको जेंट्स के लिए लेना है कुछ भी, किसी भी तरीके का कपड़ा, किसी भी चीज़ के लिए, टाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। ये बहुत ही अच्छी शॉप थी, बहुत ही अच्छी लार्ज वैरायटी थी, इस छोटी सी शॉप में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी। यहाँ पर भैया से हमने उनका शॉप का कार्ड भी लिया, पावर क्लॉथ हाउस, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसकी मैं डिटेल्स आपको नीचे मेंशन भी कर दूंगी। पावर क्लॉथ हाउस शॉप नंबर 178 या 9 जो भी था, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉल पर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं प्रिंट दिखाने के बाद। इसके बाद बाहर ये कुछ नेट की चुन्नी थी, फ्लावर नेट था, जो कि अलग अलग रेंज का था, अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो इजीली कम रेट का मिलेगा। ये नेट प्लेन भी था और फ्लावर नेट भी था। इसके साथ ये लहंगे में लगने वाली केन भी वहाँ पर मिल रही थी, जो हम लहंगे में घेरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये केन काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर ये मिल रही थी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उधर पता चला कि आगे और भी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो शॉप नंबर 180 पर जब हमने पहुँचे हम, तो वहाँ हमने देखा कि सूटों की, कढ़ाई वाले सूटों की लार्ज वैरायटी थी। कढ़ाई वाले जो सूट थे वहाँ पर बहुत ही अच्छे थे, मैं आपको प्रिंट वीडियो में दिखाती हूँ, आप एक झलक इनको देख लीजिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बी रेडी फॉर पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 और भी ज़्यादा रॉकिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छी वैरायटी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।